फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे ग्रो ऐप में अपना यूपीआई आईडी बनाया जाता है और इसके द्वारा आप कैसे किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, रिचार्जेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ग्रो ऐप में अपना यूपीआई आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और ग्रो ऐप को अपडेट कर लेना है। अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अपडेट करने के बाद हमें ऐप को ओपन करना है। नीचे देखिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पे। तो पे ऑप्शन है, यहाँ पे सेक्शन है जहाँ से आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेटअप ग्रो यूपीआई इन वन क्लिक आपको दिख रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है उसे आपको सिलेक्ट करना है और नीचे सेंड SMS पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है फ्रेंड्स यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने ग्रो ऐप में अपना अकाउंट सेटअप किया हुआ है और बैंक अकाउंट को भी लिंक किया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट भी फेच हो गया और वो हमारे ग्रो UPI ID के साथ अटैच हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि बिल्स एंड रिचार्जेस, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, DTH और भी बहुत सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट्स भी कर सकते हैं, अपना EMI पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, यहाँ पे आप अपने बिल पेमेंट्स कर सकते हैं और आपको यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आप अपने किसी मोबाइल नंबर में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि किसी के मोबाइल नंबर में आप फ़ोन पे करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं और किसी के मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपको सेल्फ ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके नीचे है बैंक ट्रांसफ़र, जिस पर क्लिक करके आप किसी के भी अदर पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी का सारा डिटेल्स टाइप करना होगा, जैसे कि उसका अकाउंट नंबर, उसका जो बैंक है, IFSC कोड टाइप करके आप बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जस्ट सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, मैं ऐसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, इसके द्वारा आप ग्रो UPI ID आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।